जिंदगी हर कदम एक नई जग है, जिंदगी हर कदम एक नई जग है। फाउंडेशन द्वारा जो मुहिम चलाई गई है कि जो लोग कैरफ्यू में फंसे हुए हैं उन तक खाना पहुंचाया जाए, राशन पहुंचाया जाए और ज़रूरी सामान पहुंचाया जाए। आज हम गुरु नानक सिंह सभा, ये जो मिलक कॉलोनी में गुरुद्वारा साहब है, वहाँ पे हम खड़े हैं। यहाँ पर देखिए कितने श्रद्धालु हैं लोग। जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से इन्होंने लंगर लगाया हुआ है, जो गरीब लोग कैरफ्यू में फंसे उन तक लंगर पहुँचाया जाए। कुछ ये राशन वगैरह भी बांटते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि आज इन्होंने स्पेशल खीर और पूड़े का ये जो सामान तैयार किया है, इन्होंने दो तीन ट्रक इनके निकल चुके हैं, अभी भी जा रहे हैं ये लोग। तो इनसे हम बात करेंगे कि आज तक कितने लोगों को आपने खाना खिला दिया और कितने लोग तक राशन पहुंचाया और जो ज़रूरी सामान है। ये हमारे प्रधान जो यहाँ के गुरुद्वारा साहब के प्रधान हैं मैडम, इनसे हम बात करें। मैडम आपका नाम? मेरा नाम अमरजीत कौर, मैं गुरुद्वारा मिलक कॉलोनी प्रेसिडेंट हूँ। आज तक जो तो लॉकडाउन होया है वो तो साइंस संध्या वाले बच्चे साढ़े नाल हैं, दोनों गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो साइंस संध्या की जी कमेटी है दोनों रल के ये लंगर चला रहे हैं। एक दिन घट्टो घट 2000 बंद लंगर जाता है, ये बच्चे बाहर वंड के आते हैं। तो जो वो लंगर वंडन जाते हैं अपना पूरा सेफ्टी बच्चे रखते हैं वंडन वास्ते। तो अज जो लंगर जा रहा है ये खीर पूड़े का लंगर जा रहा है, ये अज 2000 के करीब अज लंगर वंडन जा रहे हैं। साई संध्या के जो ये यहाँ के मेंबर थे, ये बॉय और मैडम वगैरह ये सारे मेंबर से हैं गुरुद्वारा, और ये साई जो इनकी संध्या बनी हुई है यहाँ पे, तो इनसे हम बात करते हैं।
साईं भक्तों की टोली, साईं भक्तों की टोली। देखिए गुरुद्वारा साहब और साईं भक्तों की टोली ये इकट्ठे होकर ही यहाँ पे लंगर लगा रहे हैं, गरीबों तक पहुँचा रहे हैं और जो जरूरी सामान पहुँचा रहे हैं। हम इनके मेंबर से बात करते हैं, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि जो गरीब परिवार है उनके लिए हम लंगर डेली बना रहे हैं कि सबको कोई भूखा पेट ना सो सके, सबको खाना मिल सके टाइम से। इसलिए हम कच्ची कॉलोनियों में जा रहे हैं जहाँ भी ज़रूरतमंद खाना या सूखा राशन भी दे रहे हैं जहाँ ज़रूरतमंद है। और ये दो दिन से हमने आज खीर पूड़े बनाए हैं, कल हमने जलेबियों का लंगर भी बांटा था, हमारे साईं जी का उर्स होता है उस लिए। 3 तारीख को ये कर्फ्यू खुलना था, लॉकडाउन खुलना था, लेकिन अब मोदी जी ने इसका 14 दिन और बढ़ा दिए हैं, यानी कि 3 की जगह 12 तारीख हो गई है ना, 12 तारीख तक ये चलेगा लॉकडाउन। उसके लिए क्या कहना था कि लंगर वगैरह ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है? जैसे ही साईं जी की कृपा होगी तो चलता ही रहेगा जी। अच्छा एक और आपका क्या कहना है, अगर कर्फ्यू खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए? क्योंकि हमने कोरोना की बीमारी से सभी लोग लड़ रहे, पूरा हिंदुस्तान का पूरा वर्ल्ड ही लड़ रहा है, तो अगर लॉकडाउन खोलने से बीमारी बढ़ भी सकती है, बढ़ सकती है। आपका क्या कहना है कि लॉकडाउन खुलना चाहिए अभी? नहीं, नहीं, नहीं खुलना चाहिए जब तक बीमारी खत्म नहीं, जब तक बीमारी पूरी खतरा। आप आइए मैडम, आपका मैडम क्या कहना है, बोलिए आप, बोलिए इसी के मुद्दे पे बोलिए। मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि जब तक मोदी जी कह रहे हैं तब तक लॉकडाउन एक्सटेंड, वी एग्री, और ये नहीं खुलना चाहिए क्योंकि इससे बीमारियाँ और बढ़ेंगी, कम तो होंगी नहीं, तो इस वजह से लॉकडाउन नहीं खुलना चाहिए। यानी कि अगर कर्फ्यू खोल दिया जाए तो लोग इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, उससे बीमारी बढ़ सकती है। बहुत अच्छी बात है जी। चलो मैं इंडिया न्यूज़ चैनल और आसमान अखबार से सुनील शर्मा, कैमरामैन वरिंदर सिंह के साथ। चलो बेटा चलो, देखिए छोटे छोटे बच्चे लाइन में लगे हुए, सभी ने मास्क पहना हुआ है और अपना सोशल डिस्टेंस बना के ही चल रही है। बच्चे देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी ने मास्क लगाए हुए हैं। कितना अच्छा लोगों के लिए मैसेज आता है कि अपने घरों में मास्क लगा के ही रहिए, बाहर जाएंगे तो सभी बच्चे, देखो छोटा सा बच्चा, ये छोटे छोटे बच्चे मास्क लगा के आ रहे हैं और ये कितना सोशल डिस्टेंस भी है इनका। देखो छोटे छोटे बच्चे मास्क लगा के आ रहे हैं, सभी बच्चों ने देखो मास्क लगाए हुए हैं, अपने चेहरे पे मास्क लगाए हुए हैं और सोशल डिस्टेंस बना के ही चल रहे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, आओ आओ आओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ आओ, शाबाश। छोटे छोटे बच्चे देखो मास्क लगा के आ रहे हैं, वाह भाई वाह, चलो 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 चलो, चप्पल बना रहे ITV फाउंडेशन की ओर से जो मुहिम चलाई गई है कि जो लोग कर्फ्यू में फंसे हैं उन तक खाना पहुंचाया जाए, राशन पहुंचाया जाए और जो जरूरी सामान पहुंचाया जाए। आज हम डड्डू माजरा, ये जो कुवाड़ी कॉलोनी है, यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे देखिए कितने लोग लाइन लगा के खड़े, जिनको कभी यहाँ पे गवर्नमेंट की ओर से या कोई भी लोग यहाँ पे खाना बांटने के लिए नहीं आते। हमारे साथ आज साईं भक्तों की टोली दना से ये जो स्टूडेंट्स हैं ये आए हुए, कुछ लोग देखिए आप सब, सभी कैमरे में आ रहे हैं, इधर दिखाइए कैमरा। ये यहाँ पर रेगुलर यहाँ पे लंगर लगा रहे हैं, खाना पहुँचा रहे हैं और लोगों से भी हमने पता किया, लोग भी यही कहते हैं कि बस यही लोग यहाँ पे आते हैं बांटने के लिए, नहीं तो हमें तो खाना भी ना मिले, हम भूखे ही मर जाएं। इनका बहुत शुक्रगुजार कर रहे हैं ये। मैं ITV फाउंडेशन से सुनील शर्मा, हम इनसे बात कर रहे हैं, जो भक्तों की टोली इन्होंने बनाई हुई है, आपका क्या कहना है? सर हमारा कहना है कि हम ITV फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे बड़े दिनों बाद कवरेज करने आए हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे ना तो लंगर पहुँच रहा था और ना कोई न्यूज़ वाला यहाँ पे आया, तो आज ये ITV फाउंडेशन यहाँ पे अपनी कवरेज करने आई है, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इनका यही कहना है कि जहाँ पे कोई नहीं मीडिया पहुँचता वहाँ पे ITV फाउंडेशन पहुँची है, तो हम भी इनसे वादा करते हैं कि हम ये मैसेज गवर्नमेंट तक पहुँचाएंगे ताकि गवर्नमेंट को पता लगे यहाँ पे कितने लोग कर्फ्यू में फंसे हुए हैं और गवर्नमेंट की गाड़ी आके भी लंगर बांटे यहाँ पे, क्योंकि ये सभी लोग तो आते ही हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। तो मैं सुनील शर्मा, इंडिया न्यूज़ चैनल, आसमान अखबार से, कैमरामैन वरिंदर जीत।